देश में जो 800 ईवीएम को जलाया गया, सत्ता पक्ष ने जलाया या किसने जलाया, ये इंक्वायरी की विषय है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं वो उसके अंदर जो फीड किया गया ये उनकी सच्चाई थी। लगा रहे सर। भाई मेरे, मुझे एक बात बताइए कि इनके घरों में आग क्यों नहीं लगता, ईवीएम में ही आग क्यों लगता है, उन जगह पे जहाँ पे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ही आग क्यों लगता है, जहाँ सुरक्षा है, जहाँ आपकी 5 लेयर में सुरक्षा है, करोड़ों सुरक्षा में खर्च होता है, वहाँ पे सेंध क्यों होता है? क्या ये शक के घेरे में नहीं आते? आप क्या पता कि उस ईवीएम में आपने छेड़छाड़ कर रखा हो, क्या पता कि उसके अंदर आपने सेटिंग कर रखा हो, और आपने उस सबूत को कि कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं जाँच ना हो जाए, आज ईवीएम की शिकायत हो रही है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आप उसको जो है सबूत को ख़त्म करने के लिए किया हो, तो इस तरह की आवाज़ उठ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि सिर्फ ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? हमें ईवीएम के साथ आज जो कांग्रेस ने भी कहा कि लोगों ने कहा कि अगर ईवीएम से होता है तो उसे वीवीपैट होना चाहिए, उसके अंदर एक स्लिप होना चाहिए, उसका जो है स्लिप जिसको ने वोट दिया है उसके हाथ में आना चाहिए, और वो जो है बॉक्स में डाला के इंक्वायरी चेक होनी चाहिए कि कितना वोट कैसे पड़ा, तो उस पर सरकार जो है गंभीर नहीं है, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं ईवीएम के सहारे अपने सत्ता में बना रहना चाहती है, उससे चीटिंग हो रहा है। आज 19 लाख ईवीएम गायब है, उसके कोई आवाज नहीं उठ रहा। बैलेट से ठीक है, बैलेट में खर्च होता है, बैलेट के प्रोविजन करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसमें जो सुधार की मांग है उस सुधार को किया जाना चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को तत्काल। जर्नलिस्ट महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ईवीएम की जिस तरह से ये शोर मचा रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है और जो बड़ी पार्टियां हैं वो खामोशी दिखा रही है, इस बात का जाहिर करता है कि लूट खसोट में माहिर हैं। सत्ता पक्ष भी हैं और बड़ी जो कॉरपोरेट जो पार्टियां हैं वो भी खामोश है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनगणना के लिए ये लोग नानुकुर करते हैं, और आज जो उत्तर प्रदेश में जो 800 ईवीएम को जलाया गया, सत्ता पक्ष ने जलाया या किसने जलाया, ये इंक्वायरी की विषय है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं वो उसके अंदर जो फीड किया गया ये उनकी सच्चाई थी। लगा रहे सर। भाई मेरे, मुझे एक बात बताइए कि इनके घरों में आग क्यों नहीं लगता, ईवीएम में ही आग क्यों लगता है, उन जगह पे जहां पे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ही आग क्यों लगता है, जहां सुरक्षा है, जहां आपकी 5 लेयर में सुरक्षा है, करोड़ों सुरक्षा में खर्च होता है, वहां पे सेंध क्यों होता है? क्या ये शक के घेरे में नहीं आते? आप क्या पता कि उस ईवीएम में आपने छेड़छाड़ कर रखा हो, क्या पता कि उसके अंदर आपने सेटिंग कर रखा हो, और आपने उस सबूत को कि कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं जांच ना हो जाए, आज ईवीएम की शिकायत हो रही है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आप उसको जो है सबूत को खत्म करने के लिए किया हो, तो इस तरह की आवाज़ उठ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि सिर्फ ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? हमें ईवीएम के साथ आज जो कांग्रेस ने भी कहा कि लोगों ने कहा कि अगर ईवीएम से होता है तो उसे वीवीपैट होना चाहिए, उसके अंदर एक स्लिप होना चाहिए, उसका जो है स्लिप जिसको ने वोट दिया है उसके हाथ में आना चाहिए, और वो जो है बॉक्स में डाला के इंक्वायरी चेक होनी चाहिए कि कितना वोट कैसे पड़ा, तो उस पर सरकार जो है गंभीर नहीं है, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं ईवीएम के सहारे अपने सत्ता में बना रहना चाहती है, उससे चीटिंग हो रहा है। आज 19 लाख ईवीएम गायब है, उसके कोई आवाज नहीं उठ रहा। बैलेट से ठीक है, बैलेट में खर्च होता है, बैलेट के प्रोविजन करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसमें जो सुधार की मांग है उस सुधार को किया जाना चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को तत्काल प्रभाव में इस पे काम करना चाहिए। इलेक्शन खामोश बैठे रहती है तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सरकार के पट्टू, सरकार का तोता बना हुआ है और सरकार के पक्ष में काम कर रही है, तो ये हमारी लोकतंत्र की हत्या है, हमारा संविधान की हत्या है, और संविधान को इन्होंने जो है धत्ता बना करके अपने तरीके से चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये जोकतंत्र है, ये जो राजतंत्र है, और ये अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, और जो बाकी विपक्ष या कोई भी संस्था या कोई भी सोशल वर्क अगर बोलेगा तो जेल जाएगा, ये नीति से ये सरकार। लेकिन सर, आप एक ईमानदार जो चुनाव आयोग है उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहता है कि देश भर में नहीं पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है कि ईमानदार चुनाव आयोग है। अगर ईमानदार चुनाव आयोग हमारा भारत का है तो मैं 5-6 मांग करता हूं, जिसमें मैंने अभी कहा
मैंने ये चीजें हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया, इलेक्शन कमीशन को बजाते लिख के दिया, सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार है तो ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराए, पहली बात। दूसरा ये मैंने कहा कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन काउंटिंग हो, शाम में क्यों नहीं करते, जब आपको बटन ही तो दबाना है, आप 8 दिन देर क्यों करते हो, कहीं ना कहीं आप बक्से की चोरी हो रही है, ईवीएम मशीन की चोरी हो रही है। और जो पदासीन जो लीडर्स हैं कॉर्पोरेट, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनाव से दूर उनको क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि वहां पे प्रचार में करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो सारा पैसा जनता का होता है। इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव के लिए उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि एक कैंडिडेट जो है इतना खर्च करेगा, इतना खर्च करेगा, तो वो जो है आय से अधिक खर्चा होता है या खर्चा सीमा से अधिक खर्च होता है, उसका जवाब क्या इलेक्शन कमीशन किसी लीडर से मांगा, किसी प्रधानमंत्री से मांगा कि प्रधानमंत्री आप प्रचार में क्यों गए, 5 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया, अब जबकि एक एमपी का पूरा खर्चा इलेक्शन में 75 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो ये हमें देखना होगा, इलेक्शन कमीशन क्या समानता के अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 है संविधान के अंदर उसका पालन करती है। आप वीआईपी को अलग छूट देते हो और इंडिपेंडेंट को अलग करते हो, रजिस्टर्ड को अलग करते हो, तो कहीं ना कहीं 5 रुपए का हिसाब आप एक जो है रजिस्टर्ड पार्टी या आप इंडिपेंडेंट से मांगते हो उसके पीछे लग जाते हो, नहीं तो एफआईआर लॉन्च कर देते हो। लेकिन यही बड़ी पार्टियां होती है तो उनसे आप पूछते भी नहीं हो, उनको बुलाते भी नहीं हो। मैं ये बात को, मैं जब नई दिल्ली से खड़ा था, केजरीवाल से कोई हिसाब नहीं लिया गया और मुझे 5-5 रुपए का हिसाब देना पड़ा, केजरीवाल हिसाब देने के लिए उस जहां पे सेंटर था वहां पे नहीं बुलाया गया। उसको जो है समय से खत्म होने के बाद भी 8 बजे उसका नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट किया गया, जबकि दूसरे लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाता है नॉमिनेशन अगर कहीं गलती हो तो यह असमानता की खाई इलेक्शन कमीशन क्यों बनाती है। सत्ता से इलेक्शन कमीशन को दूर रखा जाए, वो उनको, वो एक एनजीओ है, जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन है वो एक एनजीओ है, एक सोशल वर्क करती है, उसके अंदर जितने भी बॉडी होते हैं वो जनता का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, जर्नलिस्ट होना चाहिए। आप सैलरी लेते हो, सरकार के पक्ष में होते हो और आप जो है वहां पे धांधली करते हो, कहते हो कि मैं तो सरकार का हिस्सा हूं, तो ये जनता के साथ धोखा है। फिर मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार है तो वो चेहरा और नाम पे वोटिंग करे, वो चुनाव चिन्ह हटा दे, क्योंकि इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियां होती है वो जो है बेचारे को 10 दिन 8 दिन समय मिलता है और आप बाकी पार्टियों को 5 साल 10 साल वो कमल हाथ लेके घूमते हैं, हाथी और जो है साइकिल लेके घूमते हैं और बाकी को चुनाव चिन्ह नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन दोगलापन कर रही है, समानता का अधिकार का हनन कर रही है। और दूसरी ये है कि अगर ईमानदार है इलेक्शन कमीशन तो उसका सामूहिक प्रचार करनी चाहिए और जो पैसा खर्च होता है उसके हिसाब से उसका सभी की समानता के साथ कर करें, ताकि जो है पैसा की बचत हो। तो आप नहीं करते, लोग जो है करोड़ों करोड़ का खर्च करता है और किसी के पास 5 रुपया नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, देशभक्त है तो वो लीडर नहीं बन सकता। फिर मेरा कहना है कि अगर जो मैनिफेस्टो बोलते हैं वो कहते हैं जुमलाबाजी है, मैंने इलेक्शन में कहा, तो जो मैनिफेस्टो है जो वादा करती है इलेक्शन कमीशन उसको एफिडेविट ले और सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट ले कि आप इस मैनिफेस्टो से बाहर नहीं बोलेंगे और इस मैनिफेस्टो पे आपको काम करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी जो है निरस्त हो जाएगी और जो है चुनाव जो है जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन भी खत्म हो जाएगा। क्या आपने ऐसा कुछ किया? मैनिफेस्टो के बाहर अगर कोई नेता बोलता है तो आप जो है कहते हैं ये जुमलाबाजी होगी, ये गलत है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहता है 15 लाख देने की बात, ये तो जो है चुनाव का हमारा स्टंट था, तो ये स्टंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक एफिडेविट भरना चाहिए और उससे बाहर अगर कोई बोलता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी जात और धर्म, मंदिर और मस्जिद की बात ना करे, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करे, तब मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन मजबूत है, इलेक्शन कमीशन का नियत ठीक है और इलेक्शन कमीशन जनता के हित में, राष्ट्र के हित में सोचता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन चोर है, मैं इसको गली गली में कहूंगा और गली गली में यही आवाज है कि इलेक्शन कमीशन चोर है। मैनिफेस्टो में जो वादा
करने के बाद भी वो क्या करते हैं, दल बदल करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये तो एक ही चट्टे बट्टे एक ही थाली के ये लोग सारे एक ही लोग हैं, तो इनको ये चीज पे रोक होना चाहिए। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा कि अगर दल बदल किया तो उसका जो है वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उनको जो है अब बाहर कीजिए। लेकिन नहीं होता। इलेक्ट्रो बॉन्ड से एक पार्टी को 10,000 करोड़ मिलता है, 5,000 करोड़ मिलता है और दूसरी पार्टी को 1 रुपया भी नहीं मिलता, तो ये सिस्टम हटना चाहिए। इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो पैसा आता है कहीं से भी आता है वो पैसा इलेक्शन कमीशन में हो और इलेक्शन कमीशन समानता के साथ इक्वालिटी के साथ जितनी पार्टी रजिस्टर्ड है उनके बीच में खर्च करे, तो वो इलेक्शन कमीशन कर सकती है। लेकिन नहीं करती और वो एक को आसमान में चढ़ा रखा सर पे और एक को जमीन में पटक रखा है, तो फिर ये बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड क्यों है, वो सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो ये सारी हमारी मांग है। और इस तरह से अगर जात पात से हट करके हम ये कहें कि नर और नारी दोनों एक है, सबको 50-50 का समानता के साथ उसको सीट मिलेगा, वो इलेक्शन लड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि भारत के नर और नारी, औरत और मर्द दोनों की प्रतिनिधित्व मिलेगा और पूरा भारत खुशहाल होगा और मजबूत होगा। इस बात को मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसमें हमने लेटर लिख करके दिया। हाँ। हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा, कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन तय करेगी। इलेक्शन कमीशन क्या तय करेगी? जो सरकार बात करती है उसकी सुनती है, किसी संस्था का किसी छोटी पार्टी का वो सुनती ही नहीं है। डस्टबिन में लेटर भेज दिया जाता, फेंक दिया जाता, जवाब तक नहीं देते, तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। और इस तरह से लोकतंत्र की ये बात करते हैं, लोकतंत्र को ये हत्या कर रहे हैं। आज जितने भी अथॉरिटी है भारत के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, ये सब संस्थाएं और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए अलग अलग तरीके से, लेकिन नहीं निभाती है। इन्होंने गैंग बना लिखा है, एक डाकू का गैंग बना रखा है। जनता जो है मरते रहे और जनता राजा कहते हैं, वो जनार्दन कहते हैं, वो कहलाते रहे, लेकिन राज मैं करूंगा, मैं सेवक कहूंगा, मैं चौकीदार कहूंगा, लेकिन मलाई मैं खाऊंगा और जनता का घर पे कब्जा जो है यही लोग करेंगे, तो ये सारे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। और इस तरह से लोकतंत्र नहीं है, हमारा संविधान नहीं है, और अगर संविधान है तो 32 KG का जो संविधान, ओरिजिनल संविधान जो बाबा अंबेडकर के देखरेख में बना, वो संविधान कहां है मुझे बताएं। चलिए आखिरी और अहम सवाल, अब आगे जो है आप ईवीएम बंद कराने के लिए क्या करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे? ईवीएम बंद करने के लिए जितने भी पार्टियां हैं, आज हमारे 3,500 पार्टियां हैं जिनको समानता का अधिकार नहीं मिलता, उन तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जनता भी आवाज उठा रही है, कई सोशल एक्टिविस्ट उठा रहे हैं। हम लोगों ने भी कहा कि ईवीएम हटा के बैलेट से करो, और नहीं तो ईवीएम में जो सुधार की बात है उसको सुनो, डॉक्टर दुआ की दवा ले लो, डॉक्टर दुआ के इंजेक्शन ले लो, डॉक्टर दुआ का सलाह ले लो, लेकिन ये सुनते नहीं है। ये सारे के सारे जो मानसिक रूप से बीमार हैं, कमजोर हैं, नशे में हैं, वही लोग देश को चला रहे हैं, इनके प्रकांड तरीके से हाक रहे हैं भेड़ों की तरह, और अच्छे लोगों की इज्जत नहीं है, और अच्छे लोग बोले जाते हैं तो उनको कहते हैं इनको जेल भेज दो, तो यही इनकी नीति है, तो देश कैसे चलेगा जो हम